आखिर क्यों खड़े होके पानी पीने से तरह तरह के दर्द हमारे शरीर को घेर लेते हैं। किसी को घुटनों का दर्द आ जाता है, किसी को कमर का आ जाता है, किसी को शोल्डर्स का आ जाता है, किसी को जॉइंट्स पेन की समस्या आ जाती है, जिसको हम गठिया कहते हैं। आखिर क्या ऐसा होता है शरीर के अंदर जिससे ये सारे के सारे दर्द जो है, या कोई एक पर्टिकुलर दर्द जो है, शरीर को पूरी तरह से घेर लेता है। ज्यादातर आपने देखा होगा, अगर आपको घुटने दर्द की समस्या है या फिर जॉइंट्स पेन की समस्या है, तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल जो होगा वो यही होगा कि क्या आप खड़े होकर पानी पीते हैं। या फिर आप अगर किसी वैद्य को दिखाएंगे, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएंगे आप, तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछने वाले हैं कि आप खड़े होकर पानी तो नहीं पीते। आखिर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं शरीर के अंदर जो कि खड़े होकर पानी पीने के बाद हमारे शरीर में दर्दों को लेके आ जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा समझने का विषय है कि जब भी हम खड़े होकर पानी पीते हैं, ऐसी कंडीशन में जो पानी का फ्लो होता है, जो पानी का बहाव होता है, वो अचानक से हमारे शरीर की जो पेट की दीवारें हैं उनकी तरफ बढ़ जाता है, और वो पानी का फ्लो जो है वो पेट की दीवार से अचानक से जाके टकराता है। ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर की जितनी भी नर्व्स है उनके अंदर एक अजीब सी स्ट्रेचिंग्स पैदा होती है, और उस स्ट्रेचिंग की वजह से हमारे जो ज्वाइंट के फ्लूड है वो फ्लूड जो है इम्बैलेंस होने लगते हैं। जनरली जब हमारे जॉइंट्स के फ्लूड इम्बैलेंस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फ्लूड जो है धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं और तरह तरह के दर्दों की समस्या आ जाती है। ज्यादातर आपने सुना होगा कि घुटनों के दर्द की समस्या बहुत ज्यादा आती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि घुटनों की समस्या ज्यादा आती है? तो इसके लिए समझने का एक बहुत बड़ा विषय ये है कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज्यादा लोड है वो लोड आपके घुटनों के ऊपर होता है। जनरली अगर आप एनालाइज करके देखेंगे, तो जिस समय आप बैठे होते हैं उस समय आपका जो शरीर का प्रेशर होता है वो आपकी लोअर बैक के ऊपर होता है, और जब आप जो है खड़े होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके शरीर का प्रेशर आपके घुटनों के ऊपर होता है। तो जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा जो खिंचाव पैदा होता है वो घुटनों के मसल्स के अंदर होता है। घुटनों के अंदर जो फ्लूड होता है वो इम्बैलेंस होने लग जाता है, और इस इम्बैलेंस के कारण ही फ्लूड धीरे धीरे करके सूखना स्टार्ट कर देता है। जब यह फ्लूड सूखता है, तो सूखने के बाद जो है अचानक से हमारे जॉइंट्स के अंदर या हमारे घुटनों के अंदर जो है एक घर्षण पैदा होता है, और उस घर्षण की वजह से जो है हमारे जॉइंट्स के अंदर या हमारे घुटनों के अंदर दर्दें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिए, पानी जब भी पीना है वो जमीन के ऊपर बैठ के पीना है,